मध्य प्रदेश की खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर 526 टाइगर बताए जा रहे हैं। मैं शुभम आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस लिहाज से वन्य अधिकारियों के साथ इस प्रोजेक्ट के तहत आपकी चर्चा हुई है, क्या उनके जरिए पता लग पाया है अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर, और कैसे इसको अमल में लाने के लिए वहां पर मुख्य तौर पर प्रयास किए गए? देखिए, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी आप देखें तो लंबे वक्त से सरकार इसको लेकर काम कर रही है और तरह तरह की चीज़ें इसको लेकर की भी गई है। फिलहाल ये टाइगर की तस्वीरें एक बार फिर से आपको सुरभि दिखाते हैं हमारे दर्शकों को, और उसके साथ चर्चा भी जारी रखते हैं। दरअसल कई चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर कुछ बिंदुओं में आप नज़र डालेंगे तो जो घट्टा वन क्षेत्र है, सरकार को सबसे पहले उस पर ध्यान दिया गया। उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि टाइगर सबसे ज़्यादा अगर बाहर कहीं पर जाते हैं या अपनी टेरिटरी छोड़ते हैं, जंगल छोड़ते हैं, तो वो खासतौर पर इन्हीं दिनों में देखने को मिलता है जब गर्मी के दिन होते हैं, प्यास लगती है, पानी के लिए टाइगर कहीं ना कहीं बाहर गांव तक पहुंच जाते हैं। और वो तस्वीरें मध्य प्रदेश में अब आम हो चुकी है, क्योंकि कई जगह देखा है। हाल ही में हमने देखा था कि खंडवा में टाइगर पहुंचा, दो किसानों की उस वक्त मौत हो गई थी। इसके अलावा पन्ना के आसपास के क्षेत्रों में हम देखते हैं जब टाइगर बाहर आ जाते हैं, जंगलों से गाँव तक आ जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों की मौत हुई। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ध्यान दिया भी गया है। मगर फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त मध्य प्रदेश में बनी हुई है वो ये है कि लगातार टाइगर की डेथ्स भी हो रही है, मौतें भी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ 2022 की ही आप बात करेंगे सुरभि, तो 34 टाइगर्स की मौत हुई है, और ये अपने आप में बड़ा नंबर है। देखिए, एक वक्त था जब हम टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, सेव द टाइगर मूवमेंट चल रहा था। 2006 में हमने देखा कि महज 1400 टाइगर देशभर में रह गए थे। अब हालांकि अकेले मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं, मगर इनकी जो मौतें हो रही है उसे भी रोका जाना चाहिए और उसको लेकर भी लगातार प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल, कई क्षेत्रों में काम करने की शुभम जरूरत है। और हमारे एक और सहयोगी रुपेश, जो कि पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुपेश आप इस वक्त जूम में मौजूद हैं। अब तो संडे का दिन होने के बाद, हालांकि थोड़ा लेट सुबह लोग उठते हैं, लेकिन जूम में लोग आने शुरू हो चुके होंगे। आज जिस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री कर्नाटक में मौजूद हैं और आज टाइगर सेंसस जारी होगा, इसको लेकर लोगों में कोई जानकारी है? लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं क्या? वहां कुछ बातचीत हो रही है लोगों से आपकी? देखिए, बिल्कुल देखिए, और सुबह से मैं देख रहा हूँ टाइगर और इनका बाड़ा खुले, टाइगर बाहर आए, पहले एक बार टाइगर देख ले किस तरह से, ये जो दो, एक वयस्क और एक शावक, ये दोनों आपस में उस समय से ये खेल कर रहे हैं और इनको देखना अद्भुत नज़ारा है। बच्चे देख करके इनको इतने खुश, इतने आह्लादित हैं, मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ। हालांकि जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो थोड़े आराम की मुद्रा में हैं, लेकिन उसके बगल का जो बाड़ा है, ये उसमें तीन तीन बाघ हैं और ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ छेड़छाड़, जो सुबह का वक्त है, हालांकि बार बार अपने बाड़े के पास जा रहे हैं, जाहिर सी बात है इन्हें भूख भी लगी है, शायद इंतज़ार है कि कब वो छोटा दरवाज़ा खुले और वहां से इनका भोजन बाहर आए। लेकिन यहां ज़रा लोगों को देखिए कि लोग किस तरह से बेताब, एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लेने को और तमाम चीज़ों से अनजान। ये रोज़ की आदत हो गई है इनकी कि लोग आएंगे, उन्हें देखेंगे और वो उनका मनोरंजन भी करते हैं। अगर बहुत खुशनसीब लोग हुए तो आपस में ये दोनों झगड़ने, मतलब लड़ाई तो नहीं होती है, जो उन्हीं का शावक है, तो लोगों से बात भी करिएगा एक बार वो लोगों का, और समझने की कोशिश करिए कि आज का दिन इनके लिए कितना बड़ा है, कितना अहम है। ये बताइए, आज आज जो पूरे देश में कितने बाघ हैं, सर्वे रिपोर्ट जारी होने वाली है, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन आप लोगों के लिए? बहुत ज़रूरी है आज का दिन, तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने देश में तो बाघ की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, और ये सब जो है बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने देश में बाघ आया है। अब कुछ दिन बाद और सारे जानवर आएंगे, हिप्पो आने वाला है, इसे बहुत खुशी की बात है अपने देश के लिए। बहुत खुशी की बात है। कभी गए हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व? नहीं। अच्छा, बाघों की संख्या जितनी कम थी 2010 में 8, उसके बाद से अभी 60 से ज़्यादा हैं, तो संख्या बढ़े और इनको और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? आज सर्वे रिपोर्ट भी जारी होने वाली है। अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलना चाहिए और बाघों की संख्या बढ़नी चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है इसे देख करके, इतना सारे बाघ हैं, बहुत खुशी हुआ है देख के। बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री भी इस वक्त जू सफारी कर रहे हैं, बाघों को देख रहे हैं। जी जी। तो देखिए किस तरीके से, खास करके छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके हाथों में कैमरे, और बच्चे बाघों को देख करके और उनकी एक एक मुद्रा को देख करके, उनकी एक एक मुद्रा आकर्षित करती है, किस तरह से कभी आराम करना है, कभी एक दूसरे के साथ अटखेलियां करना, कभी
छलांग भी लगा रहे हैं और पूरा एक माहौल दिया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि एक शावक 12 से 13 वर्ष उनकी आयु होती है, लेकिन जू में अगर संरक्षित और उनकी देखरेख ठीक से की जाए तो ये 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। और जो इसराइल बंगाल टाइगर का मैं जिक्र कर रहा था वो लगभग 9.5 फीट का है और 250 किलो से भी ज्यादा वजनी है। इनकी देखरेख कितनी मुश्किल और कितना संरक्षण की जरूरत है जब 13 से 14 वर्ष इनकी आयु है और ऐसे में इन्हें 20 वर्ष तक अगर इस तरह से इस वातावरण में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन दिल्ली का भी मैं रुपेश आपको रोकना चाहूंगी। अभिजीत हमारे साथ है और अभिजीत यहां भी हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ ये लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस मिशन के तहत, इस टारगेट के तहत और इस टाइगर प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड लीडर्स के साथ भी प्रधानमंत्री लगातार चर्चा कर चुके और उनके सहयोग की बदौलत भारत अगर इस मिशन में अपने टारगेट को अचीव कर रहा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोग भी रुपेश भी बता रहे थे कि संरक्षण की है, और संरक्षण की जहां तक बात है जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें माहौल जो है वो बिल्कुल जो प्राकृतिक माहौल देने की जो कोशिश की गई है उसके कारण ये संरक्षण संभव हो पाया है। और इस वक्त मैं दिल्ली जू में मौजूद हूँ, यहाँ पर सुबह का वक्त है, रविवार का दिन, आप देख सकते हैं कि तमाम जो विजिटर्स हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं, बच्चे भी हैं, और आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाइट टाइगर यहाँ पर लाइव लोग देख रहे हैं, यहाँ पर चहलकदमी करते हुए टाइगर यहाँ पर दिख रहा है आराम से। और बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ का नज़ारा अगर हम दिखाएं आपको तो आप इस बाड़े के अंदर भी देखेंगे कि जिस तरह का माहौल एक टाइगर को दिया गया है, पूरी तरह से जगह है यहाँ पर, पहाड़ी लकड़ी और तमाम चीज़ों का जो माहौल दिया गया है ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है संरक्षण के लिए, और इस संरक्षण के लिए कि ताकि आराम से इसमें टाइगर रह सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग इस जगह पर घूमने भी आए हैं वो आराम से टाइगर को देख सकते हैं, बीच में कहीं पर आपको जाली या बैरिकेडिंग इस तरह की नहीं दिखेगी कि जालियों के जरिए देख रहे हैं, सीधा सीधा लोग यहां पर दर्शक जो भी आए हैं वो यहां पर सीधे सीधे देख पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं उसमें, बाकी भी महिलाएं भी पहुंची हैं, हम बात भी करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ये जो दृश्य है, कई जगह पर आप देखते हैं कि नेट लगा होता है, कई जगह पर वो होता है, ये आपको ज्यादा नेचुरल लग रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल नेचुरल है और ये अच्छे से हम टाइगर को देख सकते हैं, एवरीथिंग इज गुड, वेरी गुड। जी 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 बताइए जी, स्पेशली हमारा बेटा, फैमिली हमारी सिर्फ स्पेशल यही देखने के लिए आए हैं, और बहुत क्लियर व्यू है और सुबह मॉर्निंग का टाइम है, टाइम भी अच्छा है और एंजॉय कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में टाइगर रिजर्व्स में कितनी संख्या अभी तक पहुंची है उसको आज रिवील करने वाले हैं, मैसूरू में खुद मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें इस बात को लेकर ज्यादा उत्साह है उनके अंदर कि यहाँ पर जो वो टाइगर को देखने के लिए आते हैं अपने बच्चों के साथ आते हैं, उत्सुकता और कौतूहल दोनों लोगों में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये वो प्राणी है जो आसानी से नजर नहीं आता है, जू में लोग आसानी से देख लेते हैं और इनको देखने के लिए देश के अलग अलग जो टाइगर रिजर्व है लोग जाते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लकी होते हैं जिन्हें जाना, जाना तो नसीब होता है लेकिन देखना नसीब नहीं होता सिर्फ।